सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं अपने सारे ड्राइंग मटेरियल्स आपको दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स का यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे कि मैंने चीप मटेरियल यूज़ करके भी बहुत अच्छे आर्टवर्क्स बनाए हैं। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। सारे मटेरियल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आउटलाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अप्सरा की ये पेंसिल्स, जो एक 4H है और एक H भी है, और ये सिंपल इरेजर। और इन्हें शार्प करने के लिए मैं इन शार्पनर्स का यूज़ करता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको 5 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। और मैं यूज़ करता हूँ आउटलाइन की ये ग्रेफाइट पेंसिल, जिसमें 6 शेड्स आते हैं, और ये मैंने 70 रुपीज़ की बाई की थी। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे आसानी से किसी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं। और मैं यूज़ करता हूँ कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। यह मैंने अमेजोन से बाई की थी 45 रुपीज़ में। यह वैसे तो 3 ग्रेड्स में आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, लेकिन मैं सॉफ्ट चारकोल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने सॉफ्ट पेंसिल खरीदी थी। और मैं यूज़ करता हूँ 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल्स। ये मैंने अमेजोन से 15 रुपये में बाई की थी। इसके साथ लीड्स भी मिली थी। और मैं चारकोल पेंसिल को शार्प करने के लिए मैं कटर का यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है और इससे अच्छे से पेंसिल शार्प हो जाती है। और मैं ब्लेंडिंग करने के लिए ब्रशेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये मैंने अमेजोन से 100 रुपीज़ में बाय किए थे। स्मॉल एरियाज़ में ब्लेंडिंग करने के लिए ये ब्रश बहुत अच्छा है, इससे अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। और इसके साथ ये भी कुछ आया था, इससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। और फेस पे ब्लेंडिंग करने के लिए ये भी बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। और कभी कभी मैं हैंडमेड ब्लेंडिंग स्टम्प्स का भी यूज़ कर लेता हूँ, जो कि मैंने बनाए थे पेपर से। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। और मैं ये सिंपल कलर पेंसिल का यूज़ करता हूँ, ये आपको आसानी से मिल जाएंगी। मैंने ये 50 रुपीज़ की बाय की थी। और मैं मास्किंग टेप का यूज़ करता हूँ, इसे ड्राइंग बोर्ड पे अच्छे से लगा के आप आर्टवर्क ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं ये सिंपल से वाटर कलर्स का यूज़ करता हूँ। ये बहुत ही चीप है, आपको ये 15 रुपीज़ में किसी भी बुक स्टोर्स पर मिल जाएंगे। और मैं यूज़ करता हूँ ये वाटर कलर ब्रशेस का, ये मैंने 10 रुपीज़ के बाय किए थे। और कभी कभी ब्लेंडिंग के लिए मैं इन कॉटन बर्ड्स का भी यूज़ कर लेता हूँ। और फ्रेम वर्क के लिए मैं यूज़ करता हूँ इस रूलर का। और ड्राइंग के लिए मैं इस पुराने कैरम बोर्ड का यूज़ करता हूँ। और मैं यूज़ करता हूँ ये क्लासमेट की ये ड्राइंग बुक, ये मैंने 50 रुपीज़ में बाय की थी। और आप देख सकते हैं ये पेपर्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और मैं प्रैक्टिस वर्क के लिए मैं ये दूसरी स्केच बुक का यूज़ करता हूँ। ये पेपर बहुत ही ज़्यादा रफ़ है, आप देख सकते हैं। और अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये रफ़ स्केच बुक यूज़ करनी चाहिए। और मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें ड्राइंग पेपर्स है, और ये इनमें सेफ रहते हैं। और ये पेपर्स है जो कि मैं कमीशन वर्क्स के लिए यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेपर्स है, ये भी मैंने अमेजोन से ही बाय किया था। ये इस तरह से लॉक हो जाता है और इसमें ड्राइंग पेपर सेफ रहते हैं। और मैं प्रैक्टिस वर्क के लिए ये प्रिंटेड पेपर्स का यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी पतले हैं और अच्छी क्वालिटी के भी है। और इस बॉक्स में काफ़ी कुछ है। इस डब्बी में चारकोल पाउडर है, इसे कैसे यूज़ करते हैं मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, आप देख चुके हैं कि मैं किस तरह के ड्राइंग मटेरियल्स यूज़ करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। अगर आप बिगनर है तो आपको इन सारे मटेरियल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ही पेंसिल और इरेजर से आप और सिंपल पेपर से आप ड्राइंग कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।